उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के चिलैया थाना क्षेत्र में अभी कुछ समय पहले बाजार से वापस लौट रहे पति पत्नी पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस दौरान पति घायल हो गया। इस मामले की छानबीन में अब हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या की खूनी साजिश रची थी। चूंकि पति का किसी दूसरी महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था, वहीं अवैध संबंध के चलते सुनियोजित तरीके से पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के बुलंदशहर जिले के थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के गांव बुद्धपुर में गौशालाओं में बेजुबान गायों के मरने का सिलसिला जारी है। पहले भी इस गौशाला में कई गायों की मौत हो चुकी है, वहीं अब इस गौशाला में 6 गायों की मौत हो गई। वहीं लापरवाही का आलम यह है कि गायों की देखरेख में तैनात जिम्मेदारों के चलते मृत गाय के शरीर को चील, कौवे और कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार ने इन बेजुबानों के पालन का जिम्मा कागजों पर ही कर रखा है या अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं है। वहीं इन गौशालाओं में लापरवाही के चलते बेजुबान अपनी जान से हाथ धोने को मजबूर हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी का हालिया बयान सुर्खियों में है। आपको बता दें कि वसीम रिजवी ने बताया है कि अगर 2019 में नरेंद्र मोदी दोबारा देश के प्रधानमंत्री नहीं बने तो मैं अयोध्या में राम मंदिर के गेट के पास जाकर आत्महत्या कर लूंगा। साथ ही बताया कि देश प्रेमियों में नरेंद्र मोदी के लिए मोहब्बत है तो गद्दारों में खौफ है। अगर 2019 में किसी और सियासी दल का नेता देशद्रोहियों की मदद से प्रधानमंत्री बन जाता है तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। प्रेमियों को उनसे मोहब्बत है और देश के गद्दारों में उनका खौफ है। जब भी हम राष्ट्रहित में कोई बात करते हैं तो कुछ जालिम कट्टरपंथी मुसलमान हमको ये कहकर धमकाते हैं कि जाने दो मोदी को, फिर तुम्हारी बोटी बोटी काट। अगर 2019 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते और किसी दूसरी सियासी पार्टी का नेता देशद्रोहियों की मदद से प्रधानमंत्री बन जाता है तो हम राम मंदिर अयोध्या के गेट पर पहुंचकर सुसाइड कर देंगे। देशद्रोहियों के हाथों से मरने से अच्छा है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच सभी पार्टियां जनता के बीच वोट की अपील करती हुई दिख रही हैं। वहीं इसी कड़ी में लखनऊ लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार गृहमंत्री राजनाथ सिंह लगातार पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर वार किया और बताया कि राहुल गांधी को जो नोटिस भेजी गई है इसका उन्हें जवाब देना चाहिए। इस नोटिस को चुनाव से जोड़कर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। साथ ही बताया कि पीएम मोदी ने जो भी काम देश के लिए किए हैं वो आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया है। पीएम मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय है। यूपी के मेरठ जिले में बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि बस और ट्रक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। वहीं जिस समय ये हादसा हुआ उस दौरान दोनों ही वाहनों की स्पीड काफी तेज थी। वहीं हादसा होने के बाद बस में बैठी सवारियों में चीख बुखार मच गई। आनन फानन में राहगीरों ने घायलों को बस से निकाला और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बचाव कार्य के लिए पुलिस और एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद है।